शांति काका, मैं अब ये जानना चाहती हूँ, जैसे आपने जिक्र किया कि आपने बचपन में काफ़ी मुश्किलें सही हैं, तो वो मुश्किलों के वक्त के बारे में आप कुछ बताइए। वो वक्त कैसा था जब आप मुश्किलों से गुजर रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे? सबसे पहले तो हम वडनगर रहते थे। अच्छा। वडनगर से हम अहमदाबाद आए, और जो हमारे रिलेशन वाले थे, मेरे अंकल थे, मेरे मामा था, वो लोग ने हमारे को सहयोग दिया था, और वो सहयोग के हिसाब से हम अहमदाबाद आए। और हमने स्टडी मेरा अहमदाबाद म्यूनसिपल स्कूल में हुआ था, और वो स्ट्रगल हमारी कुछ अलग थे। हमारे परिवार जो ज़्यादा हिंदुस्तान के ऐसे परिवार होते कि जिसकी आसपास रहने के लिए, खाने के लिए कुछ नहीं होता है, और वही लाइफ मेरे जीवन में भी थी। और मैंने जो मेरी लाइफ की स्ट्रगल है, मैंने छोटी उम्र में ऑटो भी चलाई है, और साथ में मैं सुबह में 3 बजे उठ के जो सुबह में जो अखबार आते हैं, अखबार भी मैं डालता था। और वो टाइम एक परिवार का ऐसा माहौल था, वो हिसाब से सभी परिवार में ऐसा कुछ होता है, सबको करना पड़ता है, और मेरी जिम्मेदारी थी, और जिम्मेदारी निभाने के लिए मैं वो भी काम किया है। फिर मैं SSC तक पढ़ाई की है, और पढ़ाई करने के साथ मेरे को कोई जॉब मेरी पहचान देने वाला भी नहीं था, और मेरे ब्रदर ज्वेलरी लाइन में जॉब करते थे, फिर मिल में वो टाइम में ज़्यादा आमदनी मिलती थी, तो वो छोड़ के वो लाइन में, वो मेरे ब्रदर को बोले कि तेरे कुछ जान का पहचान वाले कोई लड़के हो तो बता, तो बोले मेरे ब्रदर है छोटा, तो वही हिसाब से मेरे को जॉब लग गई। और वो जॉब करते करते मैं छोटी एक दुकान, अच्छी बड़ी ज्वेलरी की शॉप में मेरे को काम मिला, और वो संस्कार, वो ऑनर का मेरे को अच्छी तरह से मेरी लाइफ में बहुत कुछ सीखने को मिला। और मेरे को इतना वो लोग विश्वास करते थे कि उनकी जो जोखिम होती थी दुकान की, वो राजकोटवासी थे, राजकोट चले जाते दिवाली में, तो 15 दिन तक शॉप संभालने का मौका भी मेरे को देके चाहते थे आपको। हाँ, पूरा। अच्छा। तो ये मेरे लिए सौभाग्य था। और धीरे धीरे जब गोल कंट्रोल था, मैं जॉब करता था, तो मेरे को उम्मीद भी थी कि चलो मैं खुद का कुछ धंधा करूँ। और धीरे धीरे मैंने मेरा खुद का धंधा करीब मेरी 78 के आसपास मैंने शुरू किया था, और मेरी शादी होने के बाद मैंने मेरा खुद का धंधा शुरू किया। और इसमें भी सब लोग का एक अच्छा सहयोग मिला, तो मेरा विजन भी क्लियर था। मैं पहले, मेरी शॉप भी नहीं थी, मेरे को फाइनेंस का भी प्रॉब्लम था, तो मैं जो एरिया में रहता था वो घर के हिसाब से मैंने, जैसे जिसको ईसनपुर एरिया बोलते हैं, वो वहाँ मैं रहता था, और उधर मेरे घर के हिसाब से मैंने गोल्ड कंट्रोल के हिसाब से लाइसेंस लिया था, वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई। और धीरे धीरे मैं मणिनगर में आया, मणिनगर के आस बाद में मैं CG रोड पे आया, और CG रोड के पुराने जो लोग शहर में बिजनेस करते थे, माणिक चौक, रतनपुर, और नया एरिया जो खुला CG रोड में, इसमें मैंने शॉप मेरी खुद की। और मैं बॉम्बे की अच्छी में अच्छी फैमिली का काम मेरे को मिलता था, और कभी किसी ने मेरे को ऐसा नहीं बोला कि आपका विजिटिंग कार्ड क्या है, आपका एड्रेस क्या है। लोग इतना ट्रस्ट दे के मेरे को काम देते थे, और त्रिभुवन भीमजी से लेके, वजूभाई ज्वेलर्स से लेके, सभी जो मैं होलसेल करता था, तो जो इंडिया का टॉप मोस्ट ज्वेलर्स गिना जाता है आज की तारीख में, त्रिभुवन भीमजी, उनके वहाँ भी मेरे को काम करने का मौका मिला है। और दिल्ली में खुराना है, खन्ना है, वो बोले सन से, उनके वहाँ भी मैंने होलसेल का काम किया है। और आज की तारीख में जो जय कृष्ण ज्वेलर्स मैंने शुरू किया था, मैं गवर्नमेंट अप्रूव्ड वैल्यूअर भी हूँ, और आगे भी रहा हूँ। और मेरा विजन क्लियर था कि होलसेल में काम करता था, और अच्छी तरह से अच्छी प्रोडक्ट और गुणवत्ता के साथ बिजनेस करता था, और इतनी फैमिली का ट्रस्ट मेरे को, अच्छे अच्छे फैमिली का ट्रस्ट मिला है। इसी